तनाव हमारे शरीर के लिए सिर्फ बुरा नहीं होता है, बल्कि कभी कभी ये अच्छा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने भविष्य से जुड़ी किसी बात के लिए तनाव लेते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा। इससे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। वैसे ही हम स्ट्रेस के बारे में क्या सोचते हैं, उसे कैसे ट्रीट करते हैं, स्ट्रेस का प्रभाव उस तरह से हमारे शरीर पे पड़ता है। यूनाइटेड स्टेट्स के एक रिसर्च में ये पाया गया है कि जो लोगों को स्ट्रेस होता है और वो ये मानते हैं कि स्ट्रेस हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उनके मरने के रिस्क 43% से बढ़ जाती है। पर जो लोग ये मानते हैं कि स्ट्रेस होना एक आम बात है और इससे हमारे शरीर में कोई बदलाव नहीं आता है, तो उन लोगों के लिए स्ट्रेस अच्छा होता है। साइंस कहता है कि स्ट्रेस के बारे में अपनी सोच बदलने से स्ट्रेस आपको हेल्दी भी बना सकता है। अगर जानना चाहते हैं कैसे, तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए देखते हैं स्ट्रेस कैसे हमारे शरीर को हेल्दी बना सकता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे बॉडी और माइंड में कुछ चेंजेस होने लगते हैं। हमारी हार्ट बीट्स फास्ट हो जाती है, हमारी सांस लेने की स्पीड बढ़ जाती है, हमारे माथे पे पसीना आने लगता है, और ये तब होता है जब हम पे किसी चीज़ का प्रेशर हो और हम उस चीज़ को लेके स्ट्रेस्ड आउट हो। लेकिन जब हमारे बॉडी में ये सब चेंजेस होते हैं, तब अगर हम ये सोचे कि हमारी बॉडी में ये चेंजेस इसलिए हो रहे हैं ताकि हम आने वाले टास्क को अच्छे से कर सके और उसका सामना भी कर सके, पॉजिटिव रह के ऐसा सोच के हमारी बॉडी उस टास्क से लड़ने के लिए हमें एनर्जाइज कर रही है। अगर स्ट्रेस लेने से आपके हार्ट बीट्स फास्ट हो रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, इससे आपके ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं और चीज़ें और बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। स्ट्रेस के बारे में आप क्या सोचते हो उस पे फर्क पड़ता है। कोई डिफ़िकल्ट टास्क करने से पहले स्ट्रेस होने का सिर्फ यही मतलब होता है कि हमारी बॉडी हमें आने वाली चेतावनी के लिए तैयार कर रही है। और जब आप स्ट्रेस के बारे में पॉजिटिव सोचने लगोगे तो स्ट्रेस का आपको भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेगा। स्ट्रेस ब्रेन पावर को बूस्ट करता है। लो लेवल स्ट्रेसर्स ब्रेन केमिकल नामक न्यूरोट्रोफिन्स के उत्पादन को प्रोत्साहित करता है और ब्रेन में न्यूरॉन्स के बीच संबंधों को मजबूत करता है। ये एक प्राथमिक तंत्र है जिसके द्वारा एक्सरसाइज प्रोडक्टिविटी और कंसंट्रेशन को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। तनाव हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर आप किसी ऐसी चीज़ को लेकर तनाव लेते हैं जैसे कि पढ़ाई, जॉब या इंटरव्यू, तो आप पूरी तरह से अपना ध्यान उस चीज़ पर लगा पाएंगे। आपको हर वक्त ऐसा लगता रहेगा कि क्या ऐसा करें जिससे आप खुद को आगे बढ़ाएं। अपने भविष्य को लेकर चिंता रहेगी और सफलता हासिल करने का जज्बा रहेगा। इम्यूनिटी को बढ़ाता है स्ट्रेस। जब आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज़ का तनाव हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि शरीर खुद को चोट या संक्रमण की संभावना होने के लिए तैयार कर रहा है। तनाव एक्स्ट्रा इंटरल्यूकिन्स केमिकल को उत्पादन करता है जो इम्यून सिस्टम को नियमित करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कैसे स्ट्रेस के बारे में सोच बदलने से वो हमारे बॉडी को और भी हेल्दी बना सकता है। तो अब अगर आपको किसी भी बात का स्ट्रेस है तो उस स्ट्रेस को अपना फ्रेंड बना लो और फिर देखो कि कैसे स्ट्रेस आपकी लाइफ को बेटर बना देगा। ये एक्सपेरिमेंट करके उसका रिजल्ट हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।